साल 2023 को हम सब अलविदा कह चुके हैं, इसी के साथ हमने साल 2024 में अपना पहला कदम भी रख दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2023 में कौन से अरबपति की संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, या फिर यूं कहें कि कमाई के मामले में भारत में कौन सबसे आगे रहा? आप सभी के मन में सबसे पहला नाम मुकेश अंबानी का आ रहा होगा, मगर ऐसा नहीं है। साल 2023 में इस लिस्ट में अंबानी दूसरे नंबर पर है। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं अंबानी को आखिर कमाई के मामले में किसने पीछे छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तर। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, वहीं मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रईस शख्स हैं। और अगर दुनिया की अरबपतियों की सूची पर नजर डालें तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स लिस्ट में अंबानी 13वें स्थान पर काबिज हैं। लेकिन इस बार उन्हें कमाई के मामले में पटखनी दी है HCL के फाउंडर शिव नडार ने, जो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 44वें स्थान पर हैं। अब यहाँ आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि 44वें स्थान पर होने के बावजूद कैसे शिव नडार ने अंबानी को पीछे छोड़ा। वो इसलिए क्योंकि नडार की नेटवर्थ में इस साल अंबानी से ज्यादा उछाल देखने को मिला है। साल 2023 में अंबानी की संपत्ति में करीब 9.23 अरब डॉलर की तेजी आई, तो दूसरी तरफ शिव नडार की नेटवर्थ में 9.39 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इसी के चलते साल 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में नडार ने कम फासले के साथ ही सही, लेकिन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अब चलिए जानते हैं दोनों अरबपतियों की नेटवर्थ कितनी है। पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी की। इस साल 9.23 अरब डॉलर की तेजी के साथ अंबानी की कुल संपत्ति 96.3 अरब डॉलर हो गई है। वही इस बार कमाई के मामले में नंबर वन पर काबिज हुए शिव नडार की संपत्ति में 9.39 अरब डॉलर जुड़ने के बाद 33.9 अरब डॉलर हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि HCL में शिव नडार की 61% की हिस्सेदारी है और साल 2023 में कंपनी के शेयरों में 45% से अधिक तेजी आई है। पिछले साल दिसंबर महीने में दोनों अरबपतियों की कंपनी की परफॉर्मेंस पर गौर करें तो आंकड़े कुछ ऐसे हैं। दिसंबर महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों ने इन्वेस्टर्स को 6.95% मुनाफा करवाया, वहीं HCL टेक के शेयर्स ने निवेशकों को 10.62% का रिटर्न दिया है। बीते 6 महीने में RIL के निवेशकों को करीब 1% का नुकसान उठाना पड़ा, मगर वही HCL टेक के शेयरों ने निवेशकों को नाराज नहीं किया। पिछले 6 महीने में इन्वेस्टर्स को 25% से ज्यादा का रिटर्न हासिल हुआ है। बता दें कि साल 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में मुकेश अंबानी शिव नडार के बाद देश की सबसे अमीर महिला और OP जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल का नाम तीसरे स्थान पर है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 8.98 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बिजनेस जगत की ऐसी और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए बिस्तर के साथ।